राधे राधे। ये कौन सा फल है बताने की आवश्यकता नहीं, कितना स्वादिष्ट है ये फल बताने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए कोई ऐसा मनुष्य आता है जिसे पता नहीं कि ये फल कौन सा है, वो देखकर सोचेगा कि ये तो कांटों का गुच्छा लगता है, कहीं फेंक देगा। वही दूसरा व्यक्ति जो समझदार होगा वो देखेगा, सोचेगा कि प्रकृति ने इस पर इतने कांटे दिए हैं, अवश्य ही सुरक्षा ही तो दिए होंगे, अर्थात भीतर अवश्य ही कुछ अनमोल होगा। ऐसा ही व्यक्ति इस फल के गर्भ तक पहुंचता है और इस फल का आनंद लेता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हम नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है, क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे, या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है। ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी है, तो जिस प्रकार समझदार बनी है तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य जब भी अपनी हृदय की भावनाएं एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम का उपयोग करते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं। अब मैंने देखा है कि एक ही मनुष्य कई सारी भाषाओं में निपुण है। मैंने ये भी देखा है कि मनुष्य कई सारी भाषाओं में बात करता है, कभी कभी भाषाओं को मिला के उसका उपयोग करता है, उचित प्रकार से उपयोग नहीं करता, ना उसका सम्मान करता है, ना भाषा को शुद्ध रखता है, और ये अनुचित है। यदि भाषा को शुद्ध रखोगे तो भाषा आपके चरित्र को शुद्ध रखेगी, ये आपकी एकाग्रता को बढ़ा देती। हर एक शब्द की ध्वनि का रस लेते हुए यदि आप शब्दों का उच्चारण करोगे, भाषा का उच्चारण करोगे, तो आपको भी आनंद आएगा और सुनने वाले व्यक्ति के कानों में भी मधु सी बहती। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति भाषा की पवित्रता का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करता है। भाषा को शुद्ध और पवित्र रखिए, भाषा आपके चरित्र को शुद्ध और पवित्र रखेगी, और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे। मैं इसी प्रकार प्रतिदिन स्वयं के साथ कुछ समय व्यतीत करता हूँ, स्वचिंतन करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, और मैं चेष्टा करता हूँ कि मैं स्वयं को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ बना सकूं। तो प्रतिदिन आकलन करता हूं स्वयं के कर्मों का कि कल मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया, जो भूल मुझसे कल हुई उसे आज कैसे सुधारा जाए, जो कल मैंने श्रेष्ठ किया आज भी उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करना है। बस इसी प्रक्रिया में मैं स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पिता पुत्र बना देता हूं, एक श्रेष्ठ मनुष्य में इसी प्रकार बन जाता। आप भी ये बात स्मरण रखिएगा, आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से। तो स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, जो आपने दोष है उसे निकाल दीजिए, स्वयं को सुधार दीजिए। ये मन सदैव प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त करके कहेगा, राधे।